किए हुए हैं। दंगे कहाँ नहीं हो रहा हिंदुस्तान में, एनआरसी के टाइम पे पूरी दिल्ली चली, ठीक है, एनआरसी के टाइम पे पूरी दिल्ली चली, दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान जला। ऐसी कौन सी जगह थी एनआरसी के टाइम पे जो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ आग नहीं लगी? हाथों की कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग। एनआरसी में मैं बताता हूँ, आपका कोई रोल ही नहीं था यार मुसलमानों का। अरे सुनो तो, पढ़ा लिखा मुसलमान को तो है नहीं, मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, रोड पे बैठा हुआ पढ़ा लिखा मुसलमान। अरे सुनो मेरे भाई, अगर मैं तुम्हारी कमी बताऊं। मेरी बात सुनो, आप मैं सुन रहा हूँ आपकी, एक सेकंड सुनो। अब राड़ा ही तुम बताओगे 2014 के पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे, अब तो नहीं हो रहा। जो मोदी जी काम इतने अच्छे कर रहे हैं, उनके उन्हीं की सरकार आएगी दोबारा, क्योंकि वो जो है किसी और को आने ही नहीं देंगे। हाँ जी, आपको उनका क्या काम अच्छा लगा है आप बताइए? उनका ये काम अच्छा लगा, वो किसी और को आने ही नहीं देंगे, सवाल ये है, क्योंकि वो किसी और को बैठने नहीं देंगे अपने आगे। अब हाथों के कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग। अरे मतलब एक बार बताइए, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है, कैसा क्या चीज है उनके पास कि वो किसी को बैठने नहीं देंगे? क्या वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे? नहीं बताइए आप, मोदी जी ने क्या अच्छा काम करा? मोदी जी ने आप बोले धारा 370 हटा दी, ठीक है जी, और ये सारे 370 हटा दी। रुको जैसे बताती है आपने, ठीक है, और इसके अलावा बताओ और क्या? धारा 370 छोड़ो और बताओ। रुको सुनिए तो, कश्मीर गए हो कभी? नहीं गए ना, कभी जाना मत, क्योंकि वहाँ तुमसे ज्यादा खिलसते हैं, मुझसे नहीं खिलसते। मुसलमान जाते नहीं है कश्मीर? क्या जाके तो दिखाओ, क्यों जाते नहीं है? जाके तो दिखाओ, मुसलमान कश्मीर जाते नहीं है क्या? तुम आ जाओगे, तुम आ जाओगे मेरे भैया? किसने? अरे हम नहीं गए, मेरे फैमिली वाले तो गए 100 बार घूमने में, मेरे फैमिली घूमने गए ना। अरे मैं बता, हाँ अब बताता हूँ, घर कारोबार यहाँ है तो हम वहाँ क्या करने जाएंगे? बताओ बता, सुनोगे तो धीरे धीरे बता दो, ऑथेंटिक चीज बताऊंगा, अगर ना हो तो गलत बताऊँ तो बता देना, नाम लिख लो, एड्रेस लिख लेना, अगर गलत चीज बताऊँ तो। देखो सीधी धारा 370 किसके लिए मांग रहे हैं कश्मीरी? हमारे लिए नहीं मांग रहे, क्योंकि हम तो जाके रह नहीं सकते, क्योंकि जहाँ हम तो फट, देखो सुनो पूरी बात को, सुनो मेरी बात को, देखो कभी जाना, श्रीनगर जाना, कश्मीर जाना, कश्मीर के किसी गांव में जाना, वहाँ पे आप है ना ज़मीन खरीदना, और आप कहना मैं यूपी से आया हूँ, ठीक है, आप ज़मीन नहीं खरीद पाओगे, समझो पूरी बात को, बेचेंगे ही नहीं वहाँ के लोग आपको। मतलब धारा 370 से पहले तो खरीद ही नहीं सकते थे, अब हट गई ना, तो आप जाओगे खरीदने तो वो बेचेंगे नहीं आपको, जैसे आप यूपी का नाम लोगे, समझ गए ना? और जैसे मैं जाऊंगा ना, मेरा नाम सचिन जैन है, मैं जाके खरीद लूंगा, मुझे खुशी खुशी दे देंगे। फैला रखी तो कैसे खरीद लेंगे? मुसलमान के बीच में भी मोदी जी ने फैला दी, इससे पहले तो कुछ नहीं हो गया, 2014 से पहले तो कुछ नहीं हो गया था, 2014 से पहले तो कुछ नहीं हो गया था, सब खरीद सकते थे। मुझे 2014 के बाद ही तो हुआ है सब कुछ, जो मुझसे नहीं खरीद सकते यार, मुझे लगता 2014 के बाद ही सब हुआ है सब कुछ, उससे पहले 2014 के बाद तो नहीं हुए आप, 2014 से पहले पैदा, मुझे कुछ नहीं, उससे पहले का भी तो पता, 2014 से पहले खरीद सकते थे वहाँ पे या नहीं खरीद सकते थे? आप बताओ इस बात को, मुझे आप बताते रहे, क्यों नहीं खरीद सकते थे 370 की वजह से? अब ये तो मेरे भाई सुनो तो, अरे लड़की नहीं बहा सकते तुमने यार, उसी को पकड़, तुमने सुना ही नहीं, लड़की नहीं बहा सकते थे आप, अगर सुनो सुनो मुसलमान का बात सुनिए, अब बता, जब आपने बताने नहीं दिया मुझे, सही कह रहे हैं, सही बात, 370 बैठ के आप तो, आपने मुझे रोक लिया वहीं पे ही, रोक लिया आपको, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ, नहीं नहीं बहस नहीं, अब मैं बता, नहीं नहीं बहस नहीं, देखिए बाबूजी एक मिनट बाबूजी बात सुनिए, ये लड़का नौजवान है, समझना मेरी बात को, इसकी तेरी उम्र 21 साल होगी मेरे ख्याल से, 20, देखो गलत नहीं पकड़ी मैंने, मेरी उम्र 40 साल है, जो इसके मन में देखिए, एक पीढ़ी लगता है कड़वाहट निकालने में, आप कभी श्रीनगर नहीं गए होंगे, जो 89 वहाँ पे किसी बुजुर्ग से मिलोगे ना आप जाके, जब आप कश्मीर या जम्मू कश्मीर या किसी भी प्रांत में जाओगे, किसी बुजुर्ग से आप जैसे बुजुर्ग से मिलोगे, उन्होंने वो समय देखा जब सब प्यार से रहते थे, जब 90 के बाद वो जो इनकी उम्र के बंदे पैदा हुए हैं ना, जो बड़े हुए हैं, सुनो पूरी बात को, प्यार अभी भी कहीं नहीं गया है, इलेक्शन करीब है, बस यही मसला है, देखिए आप, अच्छा अब आ गए बात, अच्छा इस देश में इलेक्शन कब नहीं होते, हर 6 महीने में इलेक्शन है, फिर तो कुछ काम ही मत करो, काम करेंगे दंगे, ऐसा दंगे, इतने दंगे हो रहे, अब तो दंगों के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, दंगे ही हो रहे हैं और क्या हो रहा, कहा दंगे नहीं हो रहा, कहाँ हुए दंगे, कहाँ दंगे नहीं हुए, इनसे पूछो, इनको पता नहीं है, पहले दंगे कहाँ नहीं हुए इनसे पूछो, 2014 के पहले दंगे कहाँ नहीं हुए इनसे पूछो, हम किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सबकी कमियाँ है, जब आप इतना बड़ा जो है वहाँ जलसा हो रहा है, तो सरकार को चाहिए ना सुरक्षा
करे, वहाँ के बंदे जो है पूजा पाठ में लगे पड़े हैं। सरचा ऐसे ऐसे हमारे अखिलेश के राज में भी हुआ था। अगर आपने कहा कि दंगे होते, कहाँ दंगे हुए? दंगे कहाँ नहीं हो रहा हिंदुस्तान में। एनआरसी के टाइम पे पूरी दिल्ली चली, ठीक है, एनआरसी के टाइम पे पूरी दिल्ली चली, दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान चला। ऐसी कौन सी जगह थी एनआरसी के टाइम पे जो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ आग नहीं लगी और कौन मरा उसमें? 14 से पहले नहीं, आम जनता, कोई नेता तो नहीं मरा उसमें, आम जनता मरी थी। 14 से पहले दंगे नहीं, कौन से 2014 से पहले एनआरसी आ गई थी? 2014 से पहले कौन सा? अरे आई नहीं तो सर, पार्षद किसका था? वो आने नहीं दी, ये तो जब भी नहीं आई थी तो ये तो आने नहीं। मैं बताता हूँ, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी नहीं, नहीं झगड़ा नहीं, अरे मेरे भाई गलती नहीं। मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा होता, बात पॉइंट पे करेंगे। एनआरसी में मैं बताता हूँ, आपका कोई रोल ही नहीं था यार मुसलमानों का। अरे सुनो तो, पढ़ा लिखा मुसलमान कोई चूतिया तो है नहीं, मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, रोड पे बैठा हुआ पढ़ा लिखा मुसलमान। अरे सुन तो मेरे भाई, अगर मैं तुम्हारी कमी बताऊं, मेरी बात सुनो, आप मैं सुन रहा हूं आपकी, एक सेकंड सुनो। अब राणा ये तुम बताओगे 2014 के पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे, अब तो नहीं हो रहा? हाँ तो मैं बता भाई, अभी कितना हो गया? और अरे अरे मैं बहुत देखो, अभी तुम जहाँ खड़े हो वहाँ भी हो चुका है। और देखो 370 की बात कर रहे हो ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक साल में 10 जगह 2014 से पहले, एक साल में 10 जगह मेरे दिन आ दो तुम क्या नाम उसका, जहाँ पे दंगे हुए हो हिंदुस्तान के अंदर 10 जगह सिर्फ। और अब तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दंगे ना होते हो। अब ऐसा कोई, हाँ देखिए, इनकी उम्र 21 साल की है, इनके 2002 की पैदाइश हो गई इस हिसाब से, ठीक है जी, और 2014 से पहले 13-14-15 साल के, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 14-15 साल का बच्चा मेरे ख्याल से तो राजनीति की कोई समझ रखता नहीं होगा, गलत तो नहीं कह रहा मेरे भैया। अब देखो मैं, आप तो एनआरसी मुद्दा आपने बोला छोटा सा, आप लोगों की गलती कभी किसी मुद्दे पे ना, आप लोगों की भी गलती, आराम से सोचना बैठ के, कभी आपकी कोई एनआरसी पे आपका कोई मुद्दा ही नहीं था उस टाइम। जेएनयू सुनो मेरी, अब सुन तो लो, खाली जेएनयू का मुद्दा था, वामपंथियों ने तुम्हारा इस्तेमाल करा, जेएनयू का कांड लाके तुम्हें छोड़ के निकल लिया, चुपचाप बिठा दिया तुम्हें सड़कों पे एक साल के लिए, ना तो तुम्हारा कोई लेना देना उससे ना कोई। अब मुझे एक चीज़ बताओ मेरे भाई, तो आप मुसलमान हो, पूरी दुनिया के मुसलमान भाई हैं आपस में, गलत तो नहीं कहा, यही है ना, पूरी दुनिया के, अगर किसी भी पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों को कुछ भी होगा तो आप बोलोगे ना मुसलमान नहीं, एक सेकंड, अरे सुनो, हाँ चलो, इंसान आपस में भाई भाई हैं, ये गलत भाषा है, इंसानियत पहले धर्म बाद में। ये बात देखिए, ये बात आपने बोली, इंसानियत पहले धर्म बाद में, आप तो काफिर हो, ये बोल के दिखा दी, चलो भगवान कसम खा रहा हूँ, अगर बोल के दिखा दीजिए, अगर आपको इस्लाम से खा दीजिए, धर्म लेके घूमते रहो जेब में, इंसानियत इंसान मर रहा है उसे मत उठाना, धर्म लेके नहीं रहे मेरी बात को। देखिए आप, देखिए बहुत बढ़िया बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान बनेंगे फिर हाँ धर्म में बटेंगे। देखिए आप, मैं आपको यही तो बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए दोनों तबकों में एक बात होती है, धर्म के जो ठेकेदार होती है, देखिए कब्जा हो रहा है धर्म के ठेकेदारों का, आपकी कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं, मेरी कितने लोग सुन रहे हैं और मेरी कितने लोग मान रहे हैं, समझे, तो हमारा तो भाईचारा है, हम आप एक दूसरे घर में खा रहे हैं, समझे, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, साथ रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, घर में बुला के ला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी सुन कोई नहीं रहा। अगर आपको ये बात बोल दोगे ना धर्म बाद में, भाई आपको ले आके कोने में पकड़ा के ना गुद्दी पकड़ के यूँ समझाया जाएगा आपको, समझे, कि ये लफ्ज आज के बाद मत बोल देना, बताइए सर, बताइए, मत बोल देना जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक मिनट रुको, हमारा मजहब ये सिखाता है कि आप पहले इंसान बने, इसके बाद प्यार करें, और सबसे जाति कोई धर्म ये नहीं कहता कि ईश्वर दो हैं या किसी से नफरत करो, नफरत की राजनीति तो कोई धर्म सिखाता ही नहीं। जब मैं छोटा था, मैं जाफराबाद से निकलता था, मैं सलमपुर गौतमपुरी रहता हूँ, मस्जिद पढ़ती थी, हमें तो ये सिखाया था मस्जिद हो मंदिर हो सर झुका के निकल जाओ, समझना। आप अजमेर कितनी बार गए हो? एक बार गए हो? मैं जैन हूँ, मैं कम से कम 100 बार अजमेर गया हूँ, क्योंकि जब मैं सालेसर बालाजी, पुष्कर जी, मेहंदीपुर बालाजी निकलता था तो अजमेर तरकदा मत्था टेक के आता था, मैं 100 बार गया हूँ, मैं जैन हूँ, 7 पहाड़ पे गया हूँ, पैदल गया हूँ कम से कम 50 बार, आप समझो अजमेर शरीफ, बात समझना पूरी बात को, देखिए फर्क कहाँ आया है, मैं बताता हूँ, मैं तो आपके बाप को बाप कह रहा हूँ, अंकल कह रहा हूँ, जी कह रहा हूँ, लेकिन जैसे आपकी बारी आती है आप मुंह मोड़ देते हो। मसला वो नहीं है जनाब, मसला ये है कि आप सर रुक जाइए, मसला ये है, मसला सुन ले, पुष्कर कितनी बार गए हो? मेरी बात सुनो,
आप पुष्कर कितनी बार गए हो? पहले मेरी बात तो सुनो, आप जो है अपने नजरिए से ईश्वर को देख रहे हैं, हम अपने नजरिए से ईश्वर को देख रहे हैं। लड़ाई नहीं है, आप सामने जैन मंदिर है, मैं सुनिए आपको जवाब नहीं, जवाब नहीं दे पाओगे आप, दे ही नहीं पाओगे। मंदिर मस्जिद सब ये है तो मैं कहीं मैं किसी को नहीं मानता। मस्जिद नहीं होनी चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी मस्जिद ये है तो नहीं होनी चाहिए। दो बयान आज कि मस्जिद होनी नहीं चाहिए, मस्जिद है तो मस्जिद से कहा तो मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हो या ना हो, ये क्या ये फर्क है? मैंने भी देखे, मैंने अरे मंदिर मस्जिद किस लिए होते हैं? किस लिए होते हैं? किस लिए होते? क्या लगता है सर? एक आराधना का केंद्र है, भगवान से जुड़ना है, अपनी आत्मा है। सर सुनिए, आप मेरा सवाल आपसे ये, आपने कहा कि दंगे होते ही होते, आपको इस सरकार में कौन से काम ठीक नहीं लगे? मुझे इस सरकार में सिर्फ बिगाड़ने के अलावा कुछ ठीक नहीं लगा। किसके अलावा? बिगाड़ने काम बिगाड़ने के अलावा कुछ ठीक नहीं लगा। अच्छा, हाँ जी। कौन से आपने का काम बिगाड़ कौन से काम बिगाड़े? आप मुझे बता दो कौन सा काम अच्छे करे। जब देखे ही नहीं तो तुम्हें बगता कहाँ चलेगा मेरे भाई? आज मैं 21 साल का हूँ, ठीक है, ठीक है, हो बच्चे को हो जाए 12-13 साल की उम्र में आ जाता है, ठीक है। जब से हो संभाला है तो हो संभालने के बाद सिर्फ दंगों और नफरत के अलावा कुछ नहीं देख रहा, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो, 2013 में दाल के रेट क्या थे? महंगाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, महंगाई के हिसाब से कमाई भी बढ़ी है, महंगाई के हिसाब से कमाई भी बढ़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ, महंगाई मेरी बात सुनिए, महंगाई बढ़ी है कुछ नहीं बताऊंगा, तो उसके हिसाब से कमाई भी बढ़ी है, कुछ नहीं बताऊंगा। 14 के बाद क्या बताऊंगा खाली, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है 14 के बाद सब पैदा हुए हैं राजनीति में, 14 के बाद सब पैदा हुए हैं। 2013 के दाल का भाव नहीं पता, 2013 की तनख्वाह नहीं पता। अच्छा पापा आईपीएस थे, दादा तो आईपीएस होंगे, अरे चाचा जान तो आईएएस होंगे, कहीं के कलेक्टर कुछ तो होंगे, पता है 5 शिक्षा मंत्री आजाद देश के कौन थे बताओ? मुसलमान। फिर भी तुम्हारी स्थिति बहुत बुरी है, इसके लिए जिम्मेदार मोदी 2014 के बाद आने के बाद। 5 शिक्षा मंत्री आजाद देश, भारत आजाद के बाद 5 शिक्षा मंत्री कौन थे? मुसलमान। एक भी जैनी नहीं रहा, सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी और सबसे सक्षम कम्युनिटी हमारी। क्यों पीछे? ये आपको बताओगे ना, आपकी कम्युनिटी क्यों पीछे है? ये नहीं है मसला, ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान मोदी से नाराज है, लेकिन मसला महंगाई का है थोड़ा बहुत, और मोदी तो मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने एक दिन नेट पे देखा है, रमजान की तारीफ कर रहे थे वो, रोजा कैसे रखा जाता है। जो आदमी इतनी अच्छी अच्छी बातें करे, अपने देश का पीएम और धर्म को बढ़ावा दो, गलत कहाँ से हो सकते हैं? लेकिन कुछ लोगों के मन में बहम बैठा हुआ है कि मोदी जो है मुसलमानों से सड़ते हैं। आपका मुद्दा है महंगाई, बताइए उनका मुद्दा है, एक मिनट, महंगाई। इनने बोला मुझे इस सरकार में सारे काम गड़बड़ी लगे, ठीक है, एक पृथ्वी का सब में नेक काम गिनवा दूं तुम्हें। जो अभी भूकंप आया था ना सीरिया और वहाँ तुर्की में, वहाँ किसने राहत पहुँचाई भाई? पहले हिंदुस्तान खड़ा हुआ दुनिया के देशों में पहले, ये अच्छा काम नहीं है? अरे भाई अब यार क्यों खड़ा हुआ हिंदुस्तान? ये लिपा हिंदुस्तान का तेल रुका बताने को, बंदर का तुर्की, मोदी जी तेल पी जाएंगे वो, अभी ना हिंदुस्तान से भी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्यों हो गई? हिंदुस्तान तेल मोदी जी पियेंगे? मोदी नहीं पिएगा तो आएगा तो तुम्हारे लिए यार, मेरे बच्चे। अगर अभिनंदन लौट के आया तो कब आया? 2014 ही में लौट के आया भाई।